चलिए, तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वो कुछ इस तरह की एप्लीकेशन आएगी सिग्लियो की, इसको अच्छे से तैयार करके जाना है आपको। इसके अलावा लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन भी आपको करनी है ना, ठीक है भैया। एक आपको बुक बैंक की ज़रूर करके जानी है, वो मैं बता दूंगा आपको, है ना। चलिए, ये लेटर की बात करें तो समर वेकेशन का लेटर है एक, तो और दूसरा जो लेटर रहेगा वो रहेगा मैरिज का, ठीक है, शादी का, ठीक है। ये इतना हो गया है, इसके बाद में ये आपका रहेगा। चलिए, अब इसके आगे अपन बात करें तो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे ये देख सकते हैं आप, बहुत सिंपल है और सरल भाषा में है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 रहने वाला है, हो गया इतना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। यू मस्ट डू योर ड्यूटी, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ही नेथर ड्रिंक्स, वहाँ ना तो शराब पीता है, ड्रिंक लेता है, ना ही स्मोक्स यानी कि बीड़ी पीता है। शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेस, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आ जाएगा, इन्होंने क्या लिखी है, बहुत सारी कविताएं या पोयम लिखी है। सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वहाँ इंग्लिश बोल सकता है और फ्रेंच भाषा बोल सकता है। कम एंड सिट बिसाइड मी, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है भैया, इतना हो गया है। चलिए, अब डू वाज डायरेक्टेड है हमारे बच्चों के लिए, तो डू वाज डायरेक्टेड के लिए क्या करेंगे अपन, है ना, बढ़िया से मैं आपको इसका अच्छे से तैयारी कराता हूँ, है ना। जैसा कि यहाँ से मैं एक पेज ले लेते हैं और यहाँ से अपन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। पहला क्या कह रहा है अपना, देखो ध्यान से, ये कौन सा है आपका, हाँ ये पहला जाएगा ना, यहाँ पर लिख देता। यू गो टू स्कूल डेली, चेंज इंटू नेगेटिव, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली, DALY, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नो सुनर डिड सी सा अस देन डिस्पेयर्ड, तो इसका हो जाएगा एज सुन एज, क्योंकि सुन एज ये यूज करना है, और ही सी का हो जाएगा सा, क्योंकि उसने देखा, जैसे ही उसने देखा अस है ना हमें, ही डिसे प्यार, हो गया। आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा, तीसरा देखते ध्यान से, दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, चेंज इंटू नेगेटिव, देखो चेंज इंटू नेगेटिव तो कुछ नहीं करना है, डू दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, ठीक है। अगला क्या है हमारा, ओपन द डोर, चेंज इनटू वॉइस, तो चेंज इनटू वॉइस में कुछ नहीं आएगा, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है भैया। अगला है, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे द फीस, देखो वेरी हट जाए तो उसकी जगह आप 100 लगा दो, बस कुछ नहीं करूँगा, देखो पूरे का पूरा लिखूँ मैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते ताकि आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पर पांचवा है आपका ये, तो ही
इज सो पुअर, और यहां के डेट आ जाएगा ना, डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ठीक है भैया। अगला क्या है हमारा, ही हैज टोल्ड मी देन टाइम, ठीक है। तो वेन के साथ इसको यूज करना है, हैं ठीक है। तो ये दोनों मिलके कर जाएगा, तो पूरे का पूरा उतार देना ये छठा, तो कुछ नहीं करना, केवल वेन लिख देना है ये पूरे का पूरे, है ना, सेम टू सेम उतार दोगे, कर लोगे। नाइन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन। इस तरीके से आपका रहने वाला है ये। क्वेश्चन नंबर टेन की हम बात करें तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर टेन, ठीक है। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर टेन को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर टेन का ये आपका ऐसा रहेगा, तो यहाँ से मैं देखिए इसका सॉल्यूशन ही आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, है ना। यहाँ से अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो टेन है इसको आपको सोल्व करना है, ये क्वेश्चन रहेंगे, ये इसके आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन 11 की बात करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से रहेगा, ये 10 का बी वाला है, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू है, उसको भी देखते हैं। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर है ये क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से सोल्व करना है बढ़िया से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं इतना रहेगा ये, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन मैं एक साथ ही दे रहा हूँ आपको, कोई से भी जिले से हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर आपको कर लिए तो मेरी जवाबदारी है, आप डंके की चोट पर कहता हूँ, आपको टॉपर बनने से कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। पर लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सभी जिलों के मिलाकर मैंने मिक्स कर दिए, थोड़ा बहुत हमें भी बचना पड़ता है भैया, है ना। इतनी तो आप खुद भी समझदार हैं बेटा, है ना। ये देख सकते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा यहाँ पर। ये मैंने जितना भी एमएम लगाया ना उनको करना है आपको, हैं। ये रहेगा यहाँ से, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ये रहेगा आपका, हो गया। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से आपको करना है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया मामला अब तक, ठीक है भैया। इसके बाद में आपका आ जाएगा ये, इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, जिन जिन के ऊपर एम लिखा हो ना उनको ही पढ़ना है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। इसके बाद में यहाँ से दूसरा रहेगा ये रहेगा यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है भैया। इसके बाद में ये हो जाएगा, यहाँ से देख सकते बेटा। इसके बाद में पूरे क्वेश्चन एक साथ है, आप इतने सारे क्वेश्चनों को देख के मत भागो, मैं कह रहा हूँ ठीक है कि हर जिले के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है। अब एक साथ बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा तो होंगे, ठीक है। आप तो बढ़िया से तैयारी कर लो, मिलान कर लो कि कौन कौन सी चीज़ आपको आती है नहीं आती है, कर लो जितने कर पाते हो। और एक वीडियो सेपरेट वाला ज़रूर देखना है, बिना पढ़े कैसे पास हो, वो ज़रूर देखिएगा, मेरी जवाबदारी। उसको देखकर आप है ना बिल्कुल अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे।